हेलो गाइस, मेरा नाम अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं स्मार्ट एक्स के यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि व्हाट्सएप का जो मैनेज स्टोर वाला ऑप्शन है, इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना, क्योंकि अपडेट हुआ तभी ऑप्शन आया। तो अपने व्हाट्सएप को जो अपडेट कर लेना, उसके बाद सिंपल अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ऊपर आप ले सकते हैं थ्री डॉट्स बने हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप ले सकते हैं सेटिंग्स और ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आप ले सकते हैं नीचे स्टोरेज एंड डाटा वाला ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर मैनेज स्टोरेज वाला ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके मैनेज स्टोरेज वाला ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी चैट्स होंगी आपकी, वो यहाँ पर आपको शो होंगी। तो यहाँ पर आप जो किसी चैट पर आपने क्लिक कर लेना, मिसाल के तौर मैं एक पर क्लिक कर लेता हूँ, तो उसकी जितनी फोटोज़ वीडियोज़ या जो भी होंगी वो यहाँ पर आपको शो होंगी। तो यहाँ से आप दोबारा शेयर कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मिसाल के तौर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं, इस पर आप डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर इसको शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट शेयर भी कर सकते हैं। आपने किसी एक पर क्लिक कर देना है, इसको रहने दें, मैं किसी फ़ोटो पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं थ्री डॉट्स बने, इस पर आपने क्लिक करना, तो यहाँ पर आपको जो है वो शेयर वाला ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से दोबारा शेयर भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इन सभी को डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप सेलेक्ट ऑल करके सभी को जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। ऊपर आप जैसे डिलीट वाला ऑप्शन आ जाता है, या एक एक कर को भी यहाँ से जो है वो सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से इस तरह भी डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप मैनेज स्टोरेज वाले ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ वाले बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।